नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एजुबल अकेडमी में। परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके समक्ष। किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर का शहर है, बताइए स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, क्योंकि स्वर्ण मंदिर स्थित है जो अमृतसर में है, जो अमृतसर पंजाब राज्य के अंतर्गत आता है। और यह जिस स्थान पर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है उस जगह को अकबर के द्वारा 500 बीघा ज़मीन गुरु रामदास को दी गई थी, ठीक है, जिस पर गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। ठीक है, सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर को ही माना जाता है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर को अमृतसर का दिल भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाँच नदियों की भूमि है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ये पांच नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये पांचों नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लू माउंटेंस किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है, क्या? ब्लू माउंटेंस। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी है डोड्डाबेट्टा। ठीक है, और ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आती हैं, क्या? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का सो किसे कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी थी 2003 तक। नदी अब साबरमती नदी को भारत की सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का बगीचा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताइए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो महाराष्ट्र की कैपिटल है, और मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, देख सकते हैं आप फोटो में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायमंड हर्बल किसे कहा जाता है, आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात टापुओं का नगर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जुड़वा नगर है, बताइए जुड़वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोनों जुड़वा शहर एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। झीलों का नगर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंदिरों एवं घाटों का नगर है, आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। और एक बात ध्यान रखना, वाराणसी और काशी एक ही है दोनों के नाम। वाराणसी को पवित्र नगर भी कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवाबों का नगर कहा जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है, आंसर बताइए। ये कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। इसे हॉलीवुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी फिल्में वगैरह बनाई जाती हैं इनका पूरा कामकाज अपना मुंबई में ही होता है। ठीक है, इनके हेड ऑफिस वगैरह जो भी होता सब मुंबई में होता है, इसलिए इसको भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस्पात नगरी है, आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर का इसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, और यह झारखंड राज्य में आता है। जमशेदपुर की स्थापना पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ने स्थापना की थी, इसीलिए टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, 1907 में इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की इसको की स्थापना की थी, तो इसीलिए इसका नाम जमशेदपुर पड़ा। ठीक है, जमशेदपुर के पहले यह इसका नाम से यह एक साक्षी नामक एक गांव था जो यहाँ आदिवासी लोग रहा करते थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर का जावा किसे कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, यह आता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्वतों की रानी कहा जाता है, आंसर बताइए इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी, जो आती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। आप ये फोटो में देख सकते हैं, लक्षद्वीप में ऐसे छोटे छोटे टापू हैं चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, इसलिए इसे समुद्रपुत्र कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद ये गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, और गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। मैनचेस्टर क्या होता है, इंग्लैंड में ग्रेटर मैनचेस्टर एक क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, सूत्री वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अपने भारत में जैसे अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और ये कानपुर भी है अपना उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और कोयम्बटूर भी अपना दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। यहाँ पे क्या होता है कि सूत्री वस्त्र के उद्योग वगैरह होते हैं, इसलिए इसको मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पेरिस कहा जाता है, आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, और इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आप ये फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। काली नदी कहा जाता है, बताइए काली नदी किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नदी। शारदा नदी का दूसरा भी नाम है महाकाली नदी, और काली गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।